Welcome to my history coaching. Today we are going to continue chapter number 2 of class 11, chapter relations and functions. So basically हमने first exercise जो complete की थी उसमें हमने बात की थी cartesian products की, और हमने बोला था cartesian product को relate करेंगे relation के साथ, वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं normal life में बात करूँ relation क्या है, कोई दो चीजों के बीच में एक relation define कर देते हैं कैसे, आपका और मेरा रिलेशन क्या हो गया, व्यूअर एंड टीचर का या स्टूडेंट एंड टीचर का रिलेशन हो गया। और अगर मैं बात करूं कोई भी दो नंबर ले लिए मैंने, कोई भी दो नंबर, तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा, एक नंबर दूसरे से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है, डिविजिबल भी हो सकता है, कुछ भी रिलेशन हो सकता है। सो रिलेशन क्या होगा, किन्हीं दो चीजों के बीच में रिलेशन आएगा, दो थिंग्स ले ली कोई भी दो चीज, ठीक है। जब मैथ्स में बात करेंगे रिलेशन में तभी भी वो ऐसे ही होगा, दो दो सेट्स के बीच में रिलेशन, क्या बात करेंगे यहाँ पे, दो सेट्स के बीच में रिलेशन। सो सेट की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ये सिंपली हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, फर्स्ट चैप्टर में किया था, ठीक है। यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हमने किया कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब हमने रिलेशन देखना है किसी भी दो सेट्स के बीच में। एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट को जब हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था तो क्या लिखा था, सेट बिल्डर फॉर्म में ए कोमा बी, ये हमारा ऑर्डर पेयर था, ए बिलोंग कर रहा था ए को एंड बी बिलोंग्स टू बी, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। कार्टेशियन प्रोडक्ट को किस फॉर्म में लिखते हैं, आज हमने करना है यहाँ पे रिलेशन। रिलेशन है क्या, सिंपली बात करो, रिलेशन है क्या, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, दैट्स इट। ये इतनी सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसकी डेफिनेशन में, कंफ्यूज होते क्या, क्योंकि उनको कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन नहीं क्लियर होती, फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, ये सबसेट हो गया तो अब ये भी नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। सो बिफोर दैट इस एक्सरसाइज के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट पता होना जरूरी है, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में किया था उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, सो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, रिलेशन आर, इस कैसे लिखते हैं रिलेशन को, आर से अमंग सेट्स ए एंड बी, किन सेट्स में देख रहे हैं हम, ए एंड बी सेट्स में देख रहे हैं, इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट्स ए एंड बी, दैट्स इट। ये सिंपल सी डेफिनेशन, आप ये अपने माइंड में रखो बस, ठीक है। इससे आगे देखते हैं तो रिलेशन इन मैथ्स, मैथ्स में रिलेशन को कैसे लिखते हैं। सो बेसिकली मैथ्स में रिलेशन को लिखने के क्या वे है, क्लोज्ड फॉर्म, सेकेंड इज सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड इज एरो डायग्राम। एरो डायग्राम आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, सबसे पहले देखते हैं रोस्टर फॉर्म। सो सेट्स चैप्टर में हमने देखा था रोस्टर फॉर्म कैसे होती है, कैसे लिखते हैं, दैट। अब यहाँ पे आपको क्या गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, आपको पता है रिलेशन दो सेट्स के बीच में ही होता है, वो सेट हमें गिवन है, ओके। अब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज डिफाइंड एज, अब यहाँ पे क्या है, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी या बी टू ए एंड ए टू बी, ये डिफरेंट थिंग होगी, इज डिफाइंड एज इज लेस देन, मीन्स ए इज लेस देन बी, ए इज लेस देन बी, दैट्स इट। ये आपका एक रिलेशन है। सो हमने बात की थी रिलेशन को हम किसी भी फॉर्म में लिखिए, बट रिलेशन की डेफिनेशन तो फिक्स है, क्या है वो, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट तो आएगा, ये हमें पता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख के रखा है ताकि आपको डेफिनेशन और क्लियर हो जाए। सो अगर आप इस रिलेशन के अकॉर्डिंग अपना इस गिवन रिलेशन जो हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम अपना सेट क्रिएट करें तो क्या बनता है, रिलेशन इज इक्वल टू, रिलेशन भी क्या आएगा, सेट ही आएगा, सेट्स का रिलेशन सेट ही आएगा, A इज लेस देन B, फर्स्ट एलिमेंट किसका होता है, सेट A का 3 एंड सेकेंड इज B का होगा एलिमेंट। तो यहाँ पे देखो 3 जो है लेस देन 5 है ना, ठीक है,
नेक्स्ट फिर से थ्री लिखते हैं, क्या थ्री लेस देन टू है? नहीं, तो ये हम मिस करेंगे, ये ऑर्डर पे इसमें नहीं आएगा। थ्री इज लेस देन एट है, यस। सो जो गिवन कंडीशन है उसको ध्यान में रख के चलना है। थ्री इज लेस देन वन है, नो। तो हम सेकेंड एलिमेंट पे आ जाते हैं, फोर इज लेस देन फाइव, यस। नेक्स्ट फोर इज लेस देन टू, नो। फोर इज लेस देन एट, यस। सो नेक्स्ट है फोर इज लेस देन वन, नो। तो ये भी मिस हो जाएगा। सेवन इज लेस देन फाइव, नो। सेवन इज लेस देन टू, नो। सेवन इज लेस देन एट, ठीक है ये। उसके बाद सेवन इज लेस देन वन। नेक्स्ट इज टेन इज लेस देन फाइव, नो। टेन इज लेस देन टू, टेन इज लेस देन एट, टेन इज लेस देन वन। सो कोई भी एलिमेंट इनमें से नहीं आएगा, तो हमारा जो रिलेशन आया, जो गिवन रिलेशन है, उसके अकॉर्डिंग जो मेरा सेट बना वो ये बना। वो क्या बना? और आप चेक करो या क्या ये रिलेशन जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक सबसेट है। 3.5 इसमें 3.5 है, यस। 3.8, यस। 4.5, यस। 4.8 एंड 7.8, तो ये जो है इसका सबसेट। क्योंकि आप डेफिनेशन भी आपको क्लियर होगी, आगे रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो भी क्लियर है। नेक्स्ट देखते सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आपके पास क्या है? रिलेशन आर। रिलेशन को तो हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे, फ्रॉम सेट ए टू बी इज रिप्रेजेंटेड एज। आपको ये तो पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी हम इसी वे से लिखते थे यहां तक। अब सेट बिल्डर फॉर्म में क्या हो गया? हमने जब सेट बिल्डर फॉर्म किया था सेट चैप्टर में, हमने क्या किया था? कोई ना कोई कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ए एंड ब्लैंक स्पेस बी, ये क्यों छोड़ा है? क्योंकि ए एंड बी के बीच में कोई ना कोई रिलेशन आएगा। या आपको एक जनरल फॉर्म बताई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म में यहाँ पे कोई ना कोई रिलेशन हो सकता है। जब यहाँ पे होगा क्या? रिलेशन आर इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी, जिसमें ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट को, बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट बी को, एंड इन दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। एग्जांपल की बात करते हैं, सेट ए एंड सेट बी गिवन है एंड उनके बीच में रिलेशन क्या है? 2.4, 4.6, 6.8, 8.10। आपको ये दिख गया 4-2 इज 2, 6-4 इज 2, 8-6 इज 2 एंड 10-8 इज 2। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 2-2 का है। जो ये रिलेशन है, फिर वो रिलेशन पता चल गया क्या है? 2 का डिफरेंस ए इज लेस देन बी। वो मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे? जब फर्स्ट एलिमेंट होगा वो किसको बिलोंग करेगा? फर्स्ट सेट को। सो मैंने इसको फर्स्ट सेट के एलिमेंट है 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 एंड सेकेंड के एलिमेंट क्या? 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10। तो फर्स्ट एलिमेंट को ए लिख दिया, सेकेंड को बी लिख दिया, ठीक है, जनरल फॉर्म बनाने के लिए, जिसमें ए बिलोंग कर रहा था कैपिटल ए को एंड बी बिलोंग कर रहा था कैपिटल बी को, बी सेट को। एंड आपको ये, सॉरी यहाँ पे बी है, एंड यहाँ पे रिलेशन क्या है? ए इज लेस देन बी। यहाँ पे आप लिख सकते हो ए इज 2 लेस देन बी, दैट्स इट। ये आपकी थी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट सीखते एरो डायग्राम। सो एरो डायग्राम में हमारे पास क्या है? सबसे पहले ड्रॉ करने होते हैं 2 सर्कल्स, ठीक है। 2 सर्कल ड्रॉ किया मैंने, जिसमें फर्स्ट सर्कल है वो इंडिकेट करेगा फर्स्ट सेट को, सेट ए ले लेती है, ठीक है। एंड सेकेंड सर्कल है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? सेकेंड सेट, सेट बी ले लेते हैं, ठीक है। वो कोई भी सेट हो सकता है, एक्स वाई पी क्यू कुछ भी। तो अब जो सेट ए के एलिमेंट है उनको सेट ए के अंदर रखेंगे, जो सेट बी के एलिमेंट है उन्हें सेट बी के अंदर रख देंगे। सो सेट ए के अंदर एलिमेंट क्या है? जो एग्जांपल लिया हमने उसमें 3.4.5, तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स वो लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो सेट बी के एलिमेंट्स क्या है? 2.4, 6, 9, 16, 18 एंड 25। ये जो है मेरे एलिमेंट सेट बी के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपका काम क्या है? इस रिलेशन के अकॉर्डिंग आपने इनमें एरोज लगाने हैं। एरो कैसे लगाओगे? यहाँ पे देखो,
सबसे पहले रिलेशन यहाँ पे क्या है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन लगना ए टू बी इज डिफाइंड एज इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ। तो यहाँ पे क्या हो गया, ए इज द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी, ए जो है पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ बी है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे स्क्वायर रूट की बात करें, स्क्वायर रूट आपको क्लियर होगा क्या होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं थ्री इंटू थ्री क्या होगा, नाइन होगा। सो नाइन का स्क्वायर रूट अगर मैं लू यहाँ पे, नाइन का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, थ्री आने वाला है। तो थ्री जो है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नाइन है। सिमिलरली फोर इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 16 एंड फाइव इज अ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 25। अब बाकी के जो बच गए वो बच गए, जो हमारा रिलेशन था उस अकॉर्डिंग हमने एरोस लगा लिए। तो सब एरो लगा लिए तो उसके बाद आपका रिलेशन यहाँ पे क्या बनने वाला है। सेट के अंदर रखेंगे रिलेशन को 3, 9, फर्स्ट एलिमेंट फ्रॉम सेट ए एंड सेकेंड फ्रॉम सेट बी, 4, 16, 5, 25। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। एरो डायग्राम तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसे नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपका डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा, एक एग्जांपल से समझते हैं फिर आपको ज्यादा क्लियर होगा। लेट्स से मेरे पास सेट ए है 1, 2, 3 एंड सेट बी है मेरे पास 4, 5, 6, ठीक है। ये मेरे पास एक सेट बी है। अगर मैं इसका बात करूं कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो वो क्या आने वाला है, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 2, 2, 4, 2, 5, 2, 6 एंड 3, 1, 3, 4, 3, 5, 3, 6। तो आपका ये कार्टेशियन प्रोडक्ट यहाँ पे आने वाला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, ये हमारे क्या है ऑर्डर्ड पेयर से कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया हमारे पास और हमने फाइंड कर लिया डोमेन एंड रेंज। आपकी डोमेन यहाँ पे क्या होने वाली है, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का। डोमेन कंसिस्ट ऑफ द एक्स वैल्यूज ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। एक्स वैल्यू से क्या मतलब है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो होगा। और आपको पता है जब भी कोई सेट लिखते हैं उसमें हम रिपीट नहीं करते, वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट रखते हैं ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या, 1, 1 फिर से आ गया तो रिपीट नहीं करेंगे, 1 फिर से रिपीट है, 1 रिपीट है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 2, then 3, दैट्स इट। ये हमारे एलिमेंट्स बनेंगे जो डोमेन के अंदर आएंगे। नेक्स्ट है हमारा रेंज। रेंज में सिमिलरली y वैल्यूज क्या आने वाली है, 2, 4, 5, 6 एंड 2, 4, 5, 6 ये रिपीट कर रहे हैं यहाँ पे, 3, 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो आपकी रेंज क्या होगी, जो y वैल्यूज होंगे एंड डोमेन क्या होगी, जो x वैल्यूज होंगे। सो इससे आपको क्लियर हो गया होगा रिलेशन की डेफिनेशन, डोमेन रेंज एंड रिलेशन को लिखते कैसे, एरो डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सब आपको क्लियर हो गया होगा आई होप। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हो एंड प्रीवियस लेक्चर्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इसे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। थैंक यू सो मच।